Hey guys, I'm just Anmahen Singh Gautam from Daffodil Schools, and I'm just your math teacher, and I'm just gonna talk about rest and lambda. Before it, how are you doing, beta? Kaise ho aap sabhi? I hope ki you are just doing it well, and you have started your studies now. Okay, now today we just going to start rest and lambda, properties of rest and lambda, and before it just told you about sum of just rational number, subtraction of rational number, and product of rational number, and division of rational number. And I hope ki you have just make a practice of these questions. Okay, now start a topic, properties of rational number. First of all, first property हमारे आती है closure property. हम यहाँ बात करते हैं closure property क्या होती है. तो rational number are just closed under addition, मल्टीप्लीकेशन बट नॉट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है. तो बेटा, अगर मैं लूँ कि इफ़ यू जस्ट टेक टू रैशनल नंबर्स ए एंड बी, अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर है, अगर हम दो रैशनल नंबर ले तो उनका जो सम होगा या उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा. अंडरस्टैंड, अगर हम दो रैशनल नंबर ले ए और बी और उन दोनों का सम करे या उनका प्रोडक्ट करे तो वो हमेशा क्या होगा, वी गेट जस्ट एन रैशनल नंबर अगेन. फॉर जस्ट एनी टू रैशनल नंबर, फॉर एनी टू रैशनल नंबर, द सम ऑफ जस्ट एन टू रैशनल नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ जस्ट एन टू रैशनल नंबर अगेन आ रैशनल नंबर. अंडरस्टैंड, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इज जस्ट नॉट, सॉरी, रैशनल नंबर आर जस्ट नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन. आई मीन, अगर दो रैशनल नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करोगे या डिवाइड करोगे तो अगेन आपको एक रैशनल नंबर नहीं मिलेगी. ओके, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ फॉर एडिशंस के लिए. ओके, अगर बात करें दो रैशनल नंबर्स की, कोई भी दो रैशनल नंबर है ए एंड बी, अगर इन दोनों को हम ऐड करोगे तो यू गॉट जस्ट एन अगेन अ रैशनल नंबर. अंडरस्टैंड, तो आपके क्लोजर प्रॉपर्टी है ओनली जस्ट क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. अगर आप दो रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन आपको यू जस्ट एन गेट रैशनल नंबर, बट अगर आप उनको सब्ट्रैक्ट करते हो एंड डिवाइड करते हो यू कैन नॉट जस्ट गेट अगेन अ रैशनल नंबर. या ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट एडिशन, इफ जस्ट एन हैड टू नंबर्स एंड दीज नंबर्स आर रैशनल नंबर, अगेन यू गेट जस्ट एन अ रैशनल नंबर. ओके, कम ऑन, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ए इज कल टू 5/6 एंड बी इज कल टू 4/3. आपको दो कोई भी रैशनल नंबर आपको दी हुई है यहाँ पे, ठीक है. तो अगर आप इन दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड करोगे, ए प्लस बी 5/6 प्लस के 4/3, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर्स, ओके, एंड 6 एंड डिवाइडेड बाई 6 1 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस के अगेन 2 मल्टीप्लाई 4 8, ओके, 30/6. तो यू कैन सी हियर कि अगेन वी जस्ट एन गॉट अ रैशनल नंबर. अंडरस्टैंड, तो आप देख सकते हो यहाँ पे और भी हमारे बहुत से क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज है और बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली वो नहीं है. अगर आप दो रैशनल नंबर्स को ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो यू अगेन जस्ट एन गॉट अ रैशनल नंबर, बट दैट्स नॉट ट्रू फॉर जस्ट एन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, एंड यू कैन जस्ट एन गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम अवर बुक्स. एंड आई थिंक, कम ऑन, लेट्स मेक अ प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, एंड आई होप यू आर डूइंग वेल एट होम and making just and practice of questions. Please just and you need to take a lot of practice, you need to make a lot of practice of questions, and you can get just a lot of questions. And please just I only just want to say that please, it's a time to start our study, and we have wasted a lot of time. Thank you, best of luck.